एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं डेवऐप्स के बारे में। बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल की एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे। एक सिंगल वीडियो में हम आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन डेवऐप्स से रिलेटेड हैं वो सभी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एजेंडे की बात करें तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन ये है व्हाट इज डेवऐप्स, और दूसरा व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट टू बिकम अ डेवऐप्स इंजीनियर या डेवऐप्स एक्सपर्ट बनना है तो हमें क्या क्या प्रीरिक्विजिट माइंड में सेटअप करके चलनी है। नंबर थर्ड हम बात करेंगे कि व्हाट आर द कंटेंट, व्हाट आर द कोड आर लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड टू बिकम अ एक्सपर्ट इन डेवऐप्स। सो इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला एजेंडा ये है कि डेवऐप्स है क्या, राइट? आपने भी बहुत सारे न्यूज देखी होगी या फिर बहुत सारे ऐड यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे बहुत सारे ऐड आते हैं कि डेवऐप्स इंजीनियरिंग के डेवऐप्स में बहुत सारी वैकेंसीज है या फिर बहुत अच्छे चांसेस हैं। करंट टाइम पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो डेवऐप्स इंजीनियर सर्च कर रही हैं करंट टाइम पे। एंड इफ यू हैव आइडिया अबाउट डेवऐप्स तो करियर काफी ज्यादा बेटर हो सकता है। एंड नाउ यहाँ पे दो पार्ट लेकर चलते हैं। एज यू नो दैट आईटी के केस में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? मल्टीपल डिपार्टमेंट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल टाइप्स के इंजीनियर्स होते हैं। एक आर्किटेक्ट इंजीनियर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक डेवऐप इंजीनियर होता है, एक डेटाबेस इंजीनियर होता है, राइट? सो बेसिकली इनमें गैप क्या है? आर्किटेक्ट जो बंदा है, आर्किटेक्ट जो इंजीनियर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया गया है, जो भी ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में वर्क स्टेशन लगे हैं, सर्वर्स लगे हैं, या फिर कोई स्टोरेज इस्टेब्लिश कर रखा है, नेटवर्क की डिवाइसेस आपने इस्टेब्लिश कर रखी हैं, इन सभी को मेंटेन करना है, इन सभी डिवाइसेस को, रिसोर्सेज को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे आर्किटेक्चर की होती है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा क्या रोल परफॉर्म करेगा? जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज रन कर रही हैं उनको ऑपरेट करना, उनमें मॉडिफाई करना, नई चीजों को इन्वॉल्व करना, एग्जिस्टिंग चीजों को मेंटेन करना, राइट? और दोनों के केस में, आर्किटेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों के केस में आई डोंट थिंक किसी भी कोडिंग या लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? बट हाँ, अगर आप डेवऐप्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कोडिंग की या लैंग्वेजेस की, तभी आप डेवऐप्स कर पाएंगे। डेवऐप्स में भी दो पार्ट कैटेगराइज किए गए हैं। आप डेवऐप का मेंबर बन सकते हैं, आप डेवऐप का पार्ट बन सकते हैं। नो मैटर, यू डोंट हैव आइडिया अबाउट लैंग्वेजेस एंड कोडिंग, आपको जरा सा भी कोडिंग या लैंग्वेजेस की इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आप एज ए डेवऐप इंजीनियर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, और ये पॉसिबिलिटी है। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि डेवऐप्स की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। तो इसके लिए चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि डेवऐप्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है? सो लेट्स मूव आवर सेल्फ टू आवर स्क्रीन। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करता है और बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। चलिए डिस्कस करते हैं। एजेंडा हमारा बिल्कुल क्लियर है। आज हम बात करने वाले हैं डेवऐप्स के बारे में, राइट? आज हम बात करने वाले हैं डेवऐप्स इंजीनियरिंग के बारे में। सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू स्क्रीन। एज पर द नेम सजेस्ट, अगर हम बात करें डेवऐप्स की, तो एज पर द नेम सजेस्ट यहां पे दो पार्ट से मिलकर बना है। अगर हम ये बात करें डेव एप्स, सो ये बेसिकली दो पार्ट से कैटेगराइज किया गया है। आप इसको दो डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दीजिए समझने के लिए। एक हो गया अपने पास डेव, डीईवी का मतलब हो गया कि ये डेवलपमेंट कंपनीज है, ठीक है? और यू कैन से दैट डेवलपर। और दूसरा जो पार्ट है वो है आपका ऑपरेशंस, ठीक है? डेवलपर और डेवलपमेंट, दूसरा है ऑपरेशन। इन दोनों पार्ट से मिलकर के आपका कंप्लीट हुआ है डेवऐप्स। मीन्स ये दो वर्ड का, ये दो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कलेक्शन है। अब अगर आप डेवलपर की बात करें तो एज
as per the name suggests, not developer, it's considered as a development, right? इसको हम developer नहीं, इसको हम consider करेंगे development की तरह. ठीक है, as per the name suggests, the meaning of development क्या क्या activity होती है, और in case of operation हमारे जो engineers हैं या हमें जो day to day activity perform करनी है वो कौन सा task perform करेंगे. development की बात करें तो it will start from the very basic, it will start from, you can say that plan से start करते हैं इसको, plan, then design, then code, then build. ठीक है, plan, then design, then code, then build. अब इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके समझने की कोशिश करें तो वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स. आज के डेट में आप देख रहे हो कि कितने सारे मींस अगर हम पॉपुलर एप्लीकेशंस की बात करें तो यू नो दैट जोमेटो हो गया, या उबर की बात कर लें, ओला की बात कर लें, या ब्लिंकिट की बात कर लें, अमेजन तो बहुत बड़े पैमाने पर है राइट, अमेजन की बात करें या फिर फ्लिपकार्ट की बात करें तो ये तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पेटीएम की बात करें. So, कहीं ना कहीं ये जितने भी हमने आपको कंपनी के नेम बताए ये सभी अपना एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के थ्रू इनकी अर्निंग है. पेटीएम के पास और कुछ नहीं है, जो भी अर्निंग है इनकी, जो भी बिलियन या मिलियन में ये अर्न करते हैं मंथली के भी ऐप पे, वो उनके ऐप के थ्रू आ रहा है. जोमेटो को जो बेनिफिट हो रहा है वो उनके एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है. अमेजन जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, सॉरी अमेजन जो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखा है लोगों के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसके थ्रू वो अर्निंग कर रहे हैं. प्रोडक्ट किसी और का राइट, एप्लीकेशन या वेबसाइट किसी और की, लेकिन बेनिफिट दोनों को हो रहा है, जिनका प्रोडक्ट है उनका भी, और जिसने वेबसाइट या एप्लीकेशन को डिजाइन किया उसको भी बेनिफिट हो रहा है. अब ये जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर या जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, उस डिजाइन के लिए आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, पहले तो आपको एक टीम डिसाइड करनी है. यू शुड क्रिएट योर ऑन टीम. अगर आप अपना खुद का प्लान कर रहे हो तो आप पहले टीम डिजाइन करेंगे, और उस टीम के अंदर आपको ऐसे एक्सपर्ट बंदे ढूंढने हैं जिनको कोडिंग और लैंग्वेज के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हो. मींस डेवऑप्स के केस में दो तरीके की टीम डिजाइन होती है, एक डेवलपर की टीम्स होती है और दूसरा ऑपरेशंस की टीम होती है. डेवलपमेंट के पार्ट में क्या होता है, प्लान, प्लान इन द सेंस कि एजेंडा क्या है आपका. डे वन आपने डिसाइड किया कि हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन ओपन करते हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन कराते हैं, जिस तरीके से फ्लिपकार्ट, जिस तरीके से अमेजन ने अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर रखी है. आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई बिजनेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे ब्लिंकिट ने अपना या ग्रूफर ने या ब्लिंकिट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, जैसे इन्होंने एक प्लान किया कि ठीक है हम ग्रोसरी पे काम करेंगे, इंडिविजुअल ग्रोसरी पे, यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं परचेज कर सकते हैं या कोई अदर से अदर सामान, क्लॉथिंग नहीं परचेज कर सकते, क्लॉथ नहीं परचेज कर सकते, ज्वेलरी नहीं परचेज कर सकते हैं. तो वो क्या किया, इंडिविजुअल टारगेट किया ब्लिंकिट ने, इंडिविजुअल टारगेट किया कि ठीक है हम ग्रोसरी जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे या सेल करने का काम करेंगे. अब ये प्लान आया माइंड में कि ठीक है ऐसा करते हैं. अब प्लान के साथ साथ उसकी डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ब्लैंक पेपर पे डिजाइन करो या फिर अपने कंप्यूटर पे किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजाइन करो, ऑटो कैड के थ्रू डिजाइन करो, बट आपको सबसे पहले जो आर्किटेक्चर होता है वो आर्किटेक्चर डिजाइन करना पड़ेगा. तो पहला प्लान आया, दूसरे केस में आपने उसका डिजाइन सोचा, डिजाइन डिसाइड किया कि यहाँ पे होम बटन होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे इमेजेस होंगी, यहाँ पे छोटी सी क्लिप होगी अबाउट द प्रोडक्ट, ये सब आपने माइंड में सेटअप किया, ये कलर होगा, ये थीम होगी, एवरीथिंग आपने सारी चीजें अपनी तरफ से मैनेज की. नेक्स्ट, अब उसके लिए आप क्या करेंगे, कोड डिसाइड करेंगे. कोड डिसाइड करने का मतलब ये है कि कौन सी लैंग्वेज पे आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं, राइट, इट मे बी विद द हेल्प ऑफ पाइथन, जावा या फिर HTML, CSS, जो भी लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेज का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, वो डेवलपमेंट टीम का काम है. देन उसके बाद बिल्ड करेंगे, बिल्ड इन द सेंस कि आप उसको कोडिंग के थ्रू आप एक डेमो वर्जन डिसाइड करेंगे, डेमो वर्जन क्रिएट करेंगे जो इंडिविजुअल मशीन पे पहले काम करेगा, आप टेस्टिंग पर्पज के लिए वो कोड आपने डिजाइन किया. वंस यू रेडी विद द कोड, आपने बिल्ड कर दिया ये सभी स्टेप परफॉर्म करके,
अगेन जस्ट वॉन्टेड टू एड द पॉइंट कि जो ये डेवलपर टीम है, डेवलपमेंट टीम है, यहाँ पे एक्सपर्ट होंगे जिनको कोडिंग एंड लैंग्वेजेस की अच्छी खासी नॉलेज होगी, राइट? पहला. अब ये जैसे ही बिल्ट हुआ, ये बिल्ट करने के बाद ये सारी सर्विसेज कहाँ पे मूव कर दिए? ऑपरेशंस में. अब ऑपरेशंस का क्या काम क्या है? सबसे पहला काम है टेस्टिंग. आपने जो कोड डिजाइन करके बिल्ड करके दिया है, फॉरवर्ड किया है, उसकी टेस्टिंग होगी. टेस्टिंग करने के बाद उसको मॉनिटर किया जाएगा. मॉनिटर करने के बाद उसकी सिक्योरिटी देखी जाएगी. सिक्योरिटी देखने के बाद इसका इट्स अ काइंड ऑफ होस्टिंग, इसको लाइव किया जाएगा. एंड लाइव करने के बाद यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर, यानी बैकअप एंड रीस्टोर कर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी. अब ये जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग इन द सेंस कि यहां से ओके हो गया, मींस ऑपरेशन टीम से, डेवलपमेंट टीम ने इसको ओके कर दिया कि एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम माय साइड, हम आपको हैंड ओवर दे रहे हैं. ये दूसरी टीम है, ये आप बोल सकते हैं टीम ए, और ये अपने पास है टीम बी, राइट? अब टीम ए ने ये सारी एक्टिविटी करके ओके करके फॉरवर्ड किया. अब ऑपरेशन टीम जो है, टीम बी जो है, वो टेस्टिंग करेगी कि आपके पास तो चल रहा है, लेट मी चेक कि क्या हमारे एनवायरमेंट में भी आपका कोड या आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है. टेस्टिंग होने के बाद उसको मॉनिटर किया जाएगा कि क्या क्या इसमें मैनेज किया गया है, क्या लैंग्वेज, क्या कोड वगैरह इस्तेमाल किया गया है. देन उससे रिलेटेड सिक्योरिटी को चेक किया जाएगा. सिक्योरिटी इन द सेंस कि ठीक है, कोई लूप होल तो नहीं है इसमें. टेस्टिंग के टाइम पे ही उसको सिक्योरिटी चेक की ली जाएगी कि क्या क्या इसमें लूप होल्स हो सकते हैं जिससे हैकिंग के चांसेस हैं आपके एप्लीकेशन पे, वो सारी एक्टिविटी मैनेज होगी. देन उसको लाइव किया जाएगा, और लाइव करने के साथ ही साथ उसको बैकअप रीस्टोर और उससे रिलेटेड फेल ओवर, उससे रिलेटेड लोड बैलेंसर, ये सभी जो एक्टिविटी है ये हमारे ऑपरेशन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. इज दैट क्लियर? अब डेवलपर के लिए तो कोडर की जरूरत पड़ेगी, बट ऑपरेशन के लिए इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको कोडिंग की जरूरत है. अगर आपको सिक्योरिटी और बैकअप, अगर आपको लोड बैलेंसिंग का सिस्टम, आपको यू हैव अ मच आइडिया अबाउट मॉनिटरिंग, बहुत सारे टूल्स आपको मालूम है या मॉनिटरिंग सिस्टम आपको पता है, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू बी अ पार्ट ऑफ डेवऐप इंजीनियर. यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए डेवऐप इंजीनियर, हम कह सकते हैं. नो मैटर आपका जो एक्सपीरियंस था वो आर्किटेक्ट लेवल पे था, या आपका जो एक्सपीरियंस था वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे था, बट यू हैव आइडिया अबाउट टू मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये जो डेवलपमेंट का पार्ट है, जो होस्टिंग का पार्ट है, उसको भी अगर आप सिक्योरिटी के साथ मैनेज करते हैं, उसको भी अगर आप मॉनिटरिंग करते हैं, मेंटेन करते हैं, तब भी हम एज ए ऑपरेशन इंजीनियर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर? चलिए, ये तो बात हो गई अपने वेब एप्स की बात. अब आज की डेट में जो डेवऐप्स इंजीनियर हैं वो सभी क्लाउड प्रोवाइडर्स की हेल्प लेते हैं. एंड यू नो दैट वी हैव एन नंबर ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स. आज की डेट में अपने पास मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल. तो यू कैन प्रेजेंट, यू कैन प्रोसीड विद AWS, यू कैन एग्जीक्यूट द कोड विद द हेल्प ऑफ Azure, या फिर आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट? ये तीनों क्लाउड प्रोवाइडर आपको डेवऐप्स का ऑप्शन देते हैं, मतलब डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं. सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट में जाना चाहते हैं. AWS पे डेवऐप्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, Azure पे डेवऐप्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या गूगल क्लाउड के ऊपर आप डेवलपमेंट का सेटअप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. डीप इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं अबाउट AWS DevApp इंजीनियर, Azure DevApps इंजीनियर एंड Google Cloud एज वेल. सबसे पहले हम एजेंडा समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्लियर करेंगे, ओके करेंगे, खुद को ओके करेंगे कि आई एम गुड विद दैट, आई एम रेडी टू मूव फॉर DevApp इंजीनियर. सो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अपने कॉन्टेंट. उम्मीद है आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कशन किया है वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे कि Azure DevApps में हम क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और कैसे स्टार्टअप करेंगे. So, do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel, ताकि आपको information मिलती रहे time to time. मिलते हैं next video में. Take care, bye bye, thank you.